लपेटिए। ओ बाद में पहले कुमारे में क्या किया क्या नहीं किए, अभी कुमारे में किसी से प्यार किए होंगे, ज्योति सिंह के बोल रहे अभी किसी से कुमारे में प्यार किए होंगे, तो आपको अक्षय सिंह नहीं बोली, आप अक्षय सिंह के कैसे बोल सकते हैं जब आप जान रहे कि पहल का बीवी मर गई है, अक्षय सिंह से प्रेम मोहब्बत, फिर भी आप शादी पवन सिंह से क्यों किए, नहीं करना चाहिए। आप जिससे आदमी के मन नहीं भरेगा तो अलग ही रहने में अच्छा। नमस्कार प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के टैटू गर्ल रेनू जी। आज इनसे मिलके पवन सिंह और ज्योति सिंह जी का जो तलाक का प्रकरण चल रहा है, एक महिला है ज्योति सिंह जी, तो उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कौन सही कौन गलत, इसी सब मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। जो आपका चैनल से जो देख रहे हैं उनको सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार। क्या लग रहा है, पवन सिंह जी सही हैं या फिर ज्योति सिंह जी, या फिर तलाक का जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप जिससे आदमी के मन नहीं भरेगा तो अलग ही रहने में अच्छा है। अच्छा, कौन सा मन भरना चाहते हैं कि पत्नी से आपका मन नहीं भर रहा, किस तरह का मन भरना चाह रही हैं? अब भाई, तो देखिए, गलती दोनों तरफ से होता है, रोटी दोनों हाथ से बेलाता है। अगर पवन जी का आदमी ज्योति सिंह में देखे होंगे कि कोई कमी है, तब वो अलग तलाक का तो हो सकता है कि ज्योति सिंह जी भी पवन सिंह में कुछ कमी देखी होंगी, लेकिन मैनेज करके रह रही हैं, तो पवन सिंह जी को भी साथ में मैनेज करके रहना चाहिए था, लेकिन तलाक तो पवन सिंह जी फाइल किए हैं आरा सिविल कोर्ट में। आप देखिए, तलाक वो फाइल किए हैं, उनको देखिए, उनका पर्सनल मामला था, इसमें पर्सनल मामला में मियां बीवी की लड़ाई था। अगर ठीक है, पवन जी बोले कि हाँ तुम मतलब कि नहीं रखना चाहते हैं, चाहे केस किए चाहे कुछ भी किए हैं, तो अगर ज्योति सिंह अगर अच्छा लड़की रहती, एक पारिवारिक लड़की रहती ना, तो यहाँ से अपना मायके से बैग उठाती, बैग उठा के सिर्फ जहाँ पवन जी रहते हैं वहाँ पर चले जाते, और सिर्फ वहाँ जाके एकदम ज़बरदस्ती एक नहीं होता है कि रहेंगे तो रहेंगे। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंसान रखना ही नहीं चाहता हो, ये बॉम्बे एक बार गई थी लेकिन वहाँ से इनको फिर आना पड़ा, बॉम्बे से घर आके इनको बताया जा रहा था इनके पिताजी द्वारा और ज्योति सिंह जी द्वारा भी कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा था, जिसके कारण से ही अपना नैहर चली जाती हैं। आप सुने हैं कि आत्महत्या करने के लिए पवन जी बोले हैं? उनके पिताजी का ये बयान है। किनका पिताजी का? उनका, ज्योति सिंह जी का। हाँ, तो ठीक है, ज्योति सिंह का पापा के बयान है, लेकिन पवन जी तो अपना मुंह से स्वीकार ना किए कि हम ज्योति सिंह के बोलते थे कि छत पर से कूद जाओ, मतलब स्वीकार करेंगे सब चीज। मान लीजिए कोई आदमी गलती करता है तो गलती स्वीकार ही है। देखिए, हम लोग कहने वाले कोई नहीं है कि पवन सिंह जी क्या कहते थे, ज्योति सिंह जी क्या करती थी, वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि जो पब्लिक डोमेन में बातें आएंगी, जैसे पब्लिक के सामने अगर आप कुछ बात कहिएगा तभी उस बात पर चर्चा भी होती है। चलिए, एक ये बात जब बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ के लिए ना रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है ना किसी का, खाली मुंह से बोलने से नहीं होता। मतलब आप रिकॉर्डिंग सुनना चाहती हैं? नहीं, वो तो इतना तक बोले हैं ज्योति सिंह कि जो अक्षरा सिंह के बारे में आप फोन किए थे तो अक्षरा सिंह फोन उठाई है, लेकिन रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है तो कैसे? अच्छा, कुछ ज्योति सिंह जी का बयान गलत है जितना भी चीज कर रही हैं, पवन सिंह जी सही है बात, ऐसा क्यों आप एक तरीके से नहीं सोच रहे हैं कि पवन सिंह के समर्थन में आप जा रही हैं? देखिए, एक बात बता रहे हैं, वो भी महिला है, ठीक, हम भी महिला है, लेकिन एक महिला का घर उजाड़ते, ठीक है, वो अक्षय सिंह के पहले वो मैटर था, प्यार मोहब्बत कुछ भी था, लेकिन जब लाइफ में आपको आए हैं तो बीच में मियां बीवी की लड़ाई में अपने दोनों में लड़ाई करती, अपने में अथी करती। अक्षरा सिंह आई कब जानती हैं? जब ज्योति सिंह जी का शादी हो गया, अगले दिन पवन सिंह जी चले जाते हैं वहाँ पे, जब ज्योति सिंह जी का ये बयान है कि जब हम फोन करते हैं तो वहाँ पे पवन सिंह का फोन पे फोन गया और उठाती हैं अक्षरा सिंह, बोलती हैं कि पवन सिंह सो रहे हैं, इस तरीके का ज्योति सिंह जी का बयान है, उनके पिताजी भी बोले हैं। भाई, तो ज्योति सिंह नहीं जान रही थी कि पवन जी क्या अक्षरा सिंह से प्यार करती है? जानती थी, जब हम किसी से शादी करेंगे और वह में भोजपुरी, वह में कलाकार है, उसके बारे में पूरा हम बायोडाटा जानेंगे। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी प्यार करते थे, ठीक है, मैटर जो बता रही हैं, तो पवन सिंह जी प्यार करते थे तो ज्योति सिंह जी से शादी क्यों किए? पहले बात तो ये आता है, ज्योति सिंह क्यों किए? लोग कहता है ना कि मर्द एक का सांड होता है, खुला सांड होता है जब बोलता है लोग, लेकिन मर्द में गलती कैसे कह सकते हैं, औरत में गलती नहीं होता। मर्द खुला सांड है, औरत गाय की साथ ही रहेंगी, मतलब कोई मजबूरी है इस चीज का? सुनिए, बता रहे हैं, जब सांड जा रहा है हम जाएंगे ना तो उसमें हम लगड़ा मारेंगे ना, तब हमको सड़वा ढूसी मारेगा ना, तो उससे हम कट के निकल जाएंगे ना। आप एक औरत हो के इस तरीके का बयान दे रही है और एक औरत के खिलाफ बोल रही है कि वो शादी की है तो पहले से जानती थी, तो ये देखिए हम नहीं बोल रहे, दर्शक जो देख रहे हैं वो सोचेंगे कि देखिए एक महिला है लेकिन महिला के प्रति इस तरीके का बोल रही है कि वो आदमी एक खुला सांड है, वो कुछ भी कर सकता है और महिला कुछ नहीं कर सकती है। हम उनको बारे में बोल नहीं रहे,
रहे हैं भाई, मियां बीवी के मैटर है, लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन बीच में जो अक्षरा सिंह के बदनाम करल जा रहा है ना, ये गलत बात है। अक्षरा सिंह को बदनाम किया जा रहा है? अक्षरा सिंह जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोलिएगा? क्या बयान वो दे रही है, वो क्या दे रही है बयान? वो बिहार की लड़की है, कितना वो संघर्ष करके आगे बढ़ रही है, बढ़ी है, आज उसको सब बहुत लोग भी टॉर्चर करती है, क्योंकि बहुत लोग टॉर्चर करते हैं। आपसे वो बताने आई हैं, जब आपको हर चीज में प्रूफ चाहिए तो आपसे बोली है अक्षरा सिंह जी कि हमको बहुत लोग टॉर्चर कर रहा है? बहुत लोग अक्षरा सिंह नहीं बोलते, अरे बड़े बड़े लेवल के बोले जाएंगे कि हमको ये टॉर्चर कर रहे हैं। कौन लेवल जी, क्योंकि इस लेवल का बात कर रही है आप, कौन बड़े बड़े लेवल की बात कर रही है? अच्छा एक बात बोलना चाहते है ना, जितना ऊंचा अक्षरा सिंह है ना, उतना मतलब की जाने में कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, वो तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक, पवन सिंह जी नाम नहीं दिए होते ना तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका ना कि बहुत लेवल बनाने में लेवल लग जाता है उनका। भाई प्यारे मोहब्बत है तो नाम कैसे नहीं देंगे, और उनका नाम देखे नाम डुबा दिए। तो पवन सिंह जी के नाम से जब प्यार मोहब्बत था, प्यार मोहब्बत का सहारा लेके जब आगे बढ़ गई, तो अब काहे पवन सिंह जी के नाम से आपको चिढ़ होने लगती है? आपको अगर कोई सहारा देके आगे बढ़ाता है, कल गए आपका प्यार टूटता है तो फिर चालू कर दीजिएगा उनकी बुराई गाना। जब प्यार टूट गया है तो कोई भी नफरत करेगा? नफरत करेगा ठीक है, आपको अपने मन में प्यार था तो आपके साथ था, तो नफरत भी अपने साथ रखिए ना। समाज में आके गुणगान गाना जरूरी है कि हमारे साथ ये करते थे, हमको 10 दिन रूम में बंद कर दिए। ठीक है, रूम में जब अक्षरा सिंह को बंद किया गया तो बाहर निकली तो पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की? वो कहे जब हम देख रहे हैं कि अगला आदमी मेरा प्यार अगला के साथ में खुश है, तो भाई हम उसी का खुशी में हम मेरा खुशी तो है, खुशी है तो अब कहे बवाल पर बवाल कर रही है? कहाँ अक्षरा सिंह के बवाल देखे हैं? अरे कितना इंटरव्यू दिए हैं जिसके कारण ही तो ये सब। पवन सिंह जी भी फिर जाके स्टेज शो किए, स्टेज से मैं बहुत तरीके का बयान दिया है पवन सिंह जी कि प्रूफ का बात करते हैं, प्रूफ अगर हम देने लगेंगे तो लोग जमीन छोड़ने लगे। नहीं तो वो तो जब ये ज्योति सिंह जो बोली है ना ये चीज के बारे में कि 3 महीना का अक्षरा सिंह प्रेगनेंट, उसके बाद जो क्या बोले थे उनके पिताजी जो अक्षरा सिंह के कि पवन सिंह क्या है पावर स्टार, घंटा के पावर स्टार है पवन सिंह कौन है, इस तरीके का बयान आप सुनी थी कि नहीं सुनी थी? आप देखिए आधा बात सुन के बात मत कीजिए। महिला है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के तरफ आगे बढ़े, लेकिन आप महिला के खिलाफ ही बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह ऐसी हैं, ज्योति सिंह वैसी हैं, पवन सिंह बहुत अच्छे आदमी है, इस तरीके की हम लोग पार्शियली किसी के ये बात नहीं करते हैं। हम न पवन जी का गलती कह रहे हैं है, न हम इनका न ज्योति सिंह के गलती कर रहे हैं। गलती ज्योति सिंह सिर्फ ये कह रही है ना कि जो अक्षरा सिंह के जो बारे में लपेट दी है ना, हम उस पे हम खिलाफ बोल रहे हैं। भाई अक्षरा सिंह को लपेटने की बात कहाँ से आती है? अगर देखिए समझिए, नहीं अक्षरा नहीं अक्षरा सिंह जी जो यूट्यूबर्स पे केस की है, हमारे नाम लेकर गाली दिया गया, तो ज्योति सिंह जी पे अगर बात गलत थी तो ज्योति सिंह जी पे केस क्यों नहीं की? 3 महीने का हमको प्रेग्नेंट जब बताई तो उनको केस करना चाहिए था कि नहीं हमारे जो इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश की, काहे नहीं की? मतलब बात सही था या फिर कुछ ऐसा बात रहा होगा तभी ना। ज्योति सिंह तो ये भी करेंगे, हमारे पास ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग है जिसके बाद अगर वायरल कर देते हैं तो अक्षरा सिंह जी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। तो कर देना, कर दो ना, मुंह से बोलने से नहीं होगा। कर दें कि आप लोग मीडिया लोग चाहे जो भी लोग होगा मजा ले फिर। ऐसे कौन मरना मजा दे रहे हैं जो बदनाम करके एक महिला होके एक महिला के बदनाम किए? जब इतना आपको प्यार था तो आप पवन सिंह के साथ जाके उनसे लड़िए झगड़िए उनको पास रहिए, केस मुकदमा। अच्छा एक बात बताइए, पवन सिंह जी केस किए हैं, कोनो ज्योति सिंह जी तक ये नहीं है? ज्योति सिंह तो मैनेज कर रही थी, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन पवन सिंह जी को क्या पता है क्या हुआ, ससुराल में जाके आते हैं आरा सिविल कोर्ट में केस कर देते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि पवन सिंह जी गलत हैं या फिर ज्योति सिंह जी सही हैं या फिर ज्योति सिंह जी गलत हैं, पवन सिंह जी सही हैं। हाँ ज्योति सिंह जब बोली है कि रिकॉर्डिंग वायरल कर देंगे तो क्या होगा, तो पवन जी भी तो बोले हैं कि जब हम करना चालू कर देंगे तो पवन सिंह जी तो बोल। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है एक बात बताइए, पवन सिंह जी उनके हस्बैंड हैं अभी फिलहाल में भी हैं, वो बोलते हैं कि पेट में गोली का निशान है। अब बताइए शादीशुदा आदमी है अपनी पत्नी के खिलाफ इस तरीके का निशान बताना, कहाँ क्या है, क्या ये सही है? तो होगा तभी तो बताए हैं, मतलब निशान ही सब पति पत्नी अभी तो फिलहाल में है यही सब बताते चलेंगे कहाँ पे क्या निशान। लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं बोल के, एक लड़की होके किसका बर्बाद हो गया? जैसे अक्षरा सिंह के बारे में जो लोग नहीं भी जानता तो था, हम वही बोल रहे हैं ना, हम वही बोल रहे हैं अक्षरा सिंह जितना भी बात है खुद एक्सेप्ट किए हैं कि हमको बंद, हम लिविंग रिलेशनशिप में थे, हमको बंद किया गया था। अगर ये 3 महीने वाला प्रेग्नेंट वाला जो बात है अगर ये बात गलत है या फिर इससे उनकी छवि को हानि हो रही है तो काहे नहीं ज्योति सिंह जी पे केस कर रही हैं? हम तो ये पूछना चाहते हैं अक्षरा सिंह जी का, अगर वीडियो देख रही होंगे तो बताइए यूट्यूबर पे आप केस की हैं तो इन ज्योति सिंह जी पे काहे नहीं केस कर रही हैं? काहे की बात सही है कि गलत है, जनता के सामने भी ये बातें हैं। देखिए केस एक केस करने से नहीं होता है, ठीक है ना, केस करना तो सही बात, पता चलता है कि केस क्या होता है, ठीक है ना, वो जिंदगी का सवाल है। 18 आदमी पे केस कर दिए हैं, ठीक है, कहिएगा आदमी का जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही अक्षरा सिंह जी अक्षरा सिंह के जो गलत लगा उसको पर केस किए हैं। उनके पिताजी तो कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री थर्ड क्लास इंडस्ट्री है,
तो फिर बेटी को काम क्यों करवा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? आप थर्ड क्लास है कि क्या है क्या नहीं है लोग? नहीं, आपको लगता है, आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री थर्ड क्लास इंडस्ट्री है? अब कुछ भी रहे वो सबसे नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, भोजपुरी थर्ड क्लास होता तो अक्षरा सिंह जी इसमें काम क्यों कर रही है? उनकी अपनी बेटी को थर्ड क्लास इंडस्ट्री में काम करवाने की क्या जरूरत है? आप भाई, जब उनको बेटी की इतना लोग टॉर्चर कर रहे हैं, इतना लोग गलतें बना रहा है ना, कि वो आदमी कह सकता है? टॉर्चर कर रहा है, एक गाना आता है भोजपुरी में, केवल अक्षरा सिंह जी का थंबनेल यूज हो जाता है, उनका नाम फोटो यूज हो जाता है, फोटो केवल यूज हो जाता है, फोन करके हड़काने लगती है, जबकि एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस का फोटो थंबनेल पर लगता है, नॉर्मली तरीके से लोग लगा देते हैं। उनको बुरा लगा होगा तो फोन करके बोले होंगे, भाई देखिए वही बात बोल रहे हैं कि अक्षरा सिंह कुछ और हो गया है। क्या लेवल हो? पहले कुछ भी रहे, पहले तो फिल्म उलिम बनाती भी थी तो लेवल और ज्यादा था, अब तो गाना खाली गाती हैं, और क्या लेवल हो गया? गाना गाने से क्या लेवल हो गया? वही तो बोल रहे, और क्या लेवल? पवन सिंह जी का देन है ना कि गाना सीखी है, किसका देन है गाना? भाई पवन जी के है, उनका देन है कि अक्षरा सिंह गाना गाने लगे है, लेकिन इसमें ज्योति सिंह जो बदनाम कर दिए है। ज्योति सिंह क्यों? नहीं नहीं नहीं, ज्योति सिंह तो काहे नहीं अक्षरा सिंह केस कर रहे हैं इस बात को? हम तो यही बार बार कह रहे हैं कि अगर ज्योति सिंह जी को, ज्योति सिंह जी पर आरोप लगा रही हैं, आपके बदनाम कर रहे हैं अक्षरा सिंह जी को, तो काहे नहीं केस कर रही हैं? कुछ ना कुछ बात में है कुछ दम, तभी नहीं केस, नहीं केस करना चाहिए ना 18 लोग पे, कि उन पे कहे नहीं कि एक 19 हो जाता। हम तो ना देखे कि 18 लोग पे वो केस किए हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन सच्चाई बात है। अब हमको क्या पता है, लेकिन केस किए जब 18 लोग पर किए होंगे तो ज्योति सिंह पे कहानी कड़वे पड़ेंगे। मतलब बात मान रही है कि 3 महीने का जो बात चल रहा था उस बात में कुछ ना कुछ बात है, तभी 19 लोगों पे केस करने से, ज्योति सिंह पे केस करने से हिचक रही है? ना, अभी इसके मामला में तो हम ना जानते हैं। मतलब 18 लोग पे केस कीजिएगा, एक को काहे छोड़िएगा? अगर उसके बाद में भी उसी उन्हीं के बातों से तो पूरा बवाल हुआ इसमें। केस आप देखें केस हो गया है, वो आदमी जेल चल गया, मैंने जेल जाएगा तब, जेल जाएगा तब केस होता है, सूत्रों के द्वारा पता चलेगा 18 लोग पे ये किए हैं, पवन सिंह जी के तरफ से भी एक पे केस किया गया है। अच्छा, पवन जी पे भी एक केस, पवन सिंह जी के तरफ से एक केस किया गया है, सूत्र ऐसा बताते हैं। अच्छा अच्छा, पता नहीं इसी ये सब चीज के मामला में हमको नहीं पता है। अच्छा, जाने दीजिए, ये बताइए कि क्या पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को जो अभी विवाद पे चल रहा है पूरा, क्या साथ में हो जाना चाहिए? साथ में दोनों को हो जाना चाहिए, या 3 करोड़ लेके और 1 करोड़, 3 करोड़ रुपए और 1 फ्लैट, या फिर जो भी बातें हों ये सब चीजें सेटलमेंट? नहीं, देखिए रिश्ता बार बार नहीं बनता है, रिश्ता एक बार बनता है, शादी एक बार होता है, 75 बार शादी नहीं होता है, ठीक है ना? ये 75 बार नहीं होता है, पवन सिंह जी कौन सी शादी आपको पता है? हाँ पता है, 4 शादी शायद किए हैं कि 3 शादी। पवन सिंह जी 4 शादी किए हैं ऐसा रेणु जी का कहना है? पता ना, हम न्यूज में देखे थे, शायद एक लड़की बोली थी कि 4 शादी किए हैं, अब जाएगो करे वो सबसे हमको मतलब नहीं है भाई, नहीं पटा, अलग हो गए। मैंने बिजनेस खोल रखे हैं का? बिजनेस खोल के रखे हुए हैं। शादी सनातनी धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो शादी एक अहम एक फर्स्ट एक लास्ट, फर्स्ट लास्ट, और 7 जन्म तक लोग तो इसके लिए परिक्रमा करते हैं जी। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर घटती हैं बार बार, पवन सिंह जी के साथ 2 बार ये घटना घट चुकी है। अच्छा। तो मान लीजिए कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है ना कि क्या ये बातें जो ज्योति सिंह जी कह रहे हैं क्या सही है या फिर गलत है? पवन सिंह जी अगर एक लड़की के साथ हुआ होता तो लोग बोलते कि ज्योति सिंह जी गलत है। लेकिन दो दो के साथ ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को लोग जिम्मेवार मानने लगते हैं। लड़की कौन आजकल मार सुधरल है जी? ज्योति सिंह नहीं जानती थी कि अक्षरा सिंह से मोहब्बत करती है, चाहे उनका पहल की बीबी मर गई है आग लगा के, चाहे कुछ भी, तो फिर क्यों ज्योति सिंह फंसी? ज्योति सिंह क्यों फंसी? इधर तो बात हो रहा है, पावर स्टार के बीबी बनी, एकदम हमारे पास मर्दाना रहे तो कैसे हो जाएगा? अपना काम धाम छोड़ के तुम्हारा ही लेके बैठल नहीं ना रहेगा? अगर अथी क्या बोलता पवन जी के, कितना लोग बोलता की ना मर्द है, ठीक कौची तो की क्या बात कर रहे हैं? पवन सिंह जी मतलब पावर स्टार पवन सिंह जी के खिलाफ ऐसा बोल रही है? अरे मतलब कोई, मतलब हम न्यूज देखे हैं तो बोला कि पवन सिंह तो ना वो अपना पापा के लड़का दे सक दिए हैं अथी करके, ना अपना माँ के दे रहे हैं, जे ना मर्द हो जे, पता नहीं बाल बच्चे वाला कि ना मर्द बोला जाता है। तो हमको ये कहना है भाई, जिससे पटेगा उसी से ना बाल बच्चा पैदा करेगा, जिससे नहीं पट रहा तो कैसे बाल बच्चा पैदा करेगा? आ जब ना मर्द थे तो फिर अक्षरा सिंह के 3 महीने के पेट में बच्चा कैसे रह गया? तो ये तो जो कह रहा है उससे ना पूछा जाएगा कि कौन इस तरीके की बातें अफवाहें फैला रहा है, क्योंकि ये बातें क्योंकि ये बातें ज्योति सिंह जी नहीं बोली हैं ना, तो फिर आपको तो पत्नी ही बता सकते हैं सब चीज, तो ये सब बातों पे बात नहीं। नाम फेम कमाने के लिए मतलब कोई के भी बदनाम कर देना चाहिए, ये गलत बात है ना? ऐसा ही डिंपल सिंह सटल है, ये सटल है, वो सटल, क्या बोल रहे हैं सटल है, मतलब कि जीजा साली के रिश्ता है महाराज, सटे का मतलब गलत नहीं होता है, काम कर रहा आर्टिस्ट है। अब बिहार में जीजा साली कैसी हो गई जी?
मैंने जीजा साली कैसी हो गई? अब जीजा साली गए, आप उठ के कहिएगा कि हम भी जीजा साली का रिलेशन रखेंगे तो सबको जीजा साली बनाते चलेंगे। अब भाई यही तो हम नहीं सोचते, समझ में आता है कि उन बीबी उनसे नहीं पट रहा है, बाकी लोग इतना सब अथी उनको तारीफ करता है। एक लड़की के देखे थे कि न्यूज देखे थे, उनका अथी फोटो से शादी किए है कि हम पवन जी से प्यार करते हैं, हम उनका चार चार बच्चा के माँ बनेंगे, मतलब दूसरा कोई कह रही है अपने बीबी के, पता नहीं बीबी के। देखिए एक पति जब तक कहा नहीं सुनिए, हारने का आदेश रहना चाहिए। दूर का ढोल सुहावन लगता है, ऐसा एक कहावत है कि जो दूर चीज रहता है ना लगता है कि बहुत अच्छा है वो, और जो चीज पास आता है शायद उसमें कुछ ना कुछ दिख जाता है, तो उस तरीके से बातें चलती हैं, चलते रहता है। हाँ भाई देखिए, तो जब ज्योतिष इनके लग रहा है कि पवन जी की गलती है, गलती है, तो पवन जी का भी लगता होगा कि ज्योतिष मेरे लिए गलती है, बैठ के बात। अच्छा, जो तलाक हुआ है ऐसे नहीं होता है, क्योंकि गलती होता है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होता है। अच्छा चलिए, आपके हिसाब से एक अंतिम सवाल पूछेंगे, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन इसमें सही है कौन गलत है, या फिर दोनों लोग सही हैं अपने अपने तरीके से बातें रख रहे हैं? गलती इनका है, ज्योतिष सिंह की गलती है। हम कैसे बोल दिए आप ज्योतिष सिंह की गलती है? मान सकते हैं, अगर इतने इज्जतदार रहती ना तो सिर्फ जाके उनको पास एकदम करेजा पर चढ़ के रहती। मैं तलाक फाइल करते हैं पवन सिंह, छोड़िए ये सब बातों में, घर से भगा देगा जी, डायरेक्ट झोला अथी बैग तैग लेके जाए तो भगा देंगे जे, सीधे एकदम कहेंगे हम शादी किए हैं, कोई मतलब प्यार मोहब्बत वाला नहीं है, समाज में शादी किए हैं, कैसे वो भगा देंगे? वो मतलब दूसरा कितना सपोर्ट करते हुए अपने बीवी की सपोर्ट नहीं करेंगे? आज की महिला अपने ताव में रहता हुआ अपने ताव में रहते हैं, तो घर तो बर्बाद होना है। ये है मतलब आजकल का औरत जब है, जब शादी होता है ना तो सोचता है ना कि लड़का लोग माई बाप के छोड़ देवे, अपना परिवार छोड़ देवे, सिर्फ एगो हमारे देखे, हमर नैहर के परिवार के देखे। आजकल औरत में ये हो गया, इसी के वजह से आजकल अथी अलग अलग हो जाता है, आजकल शादी सक्सेस नहीं हो रहा है, अलग अलग हो जाता है। चलिए और क्या कुछ कहा जाए, आपने सुना रेनू जी का क्या विचार है? उस सबसे हमको मतलब नहीं, लेकिन अक्षय सिंह के बीच में मतलब पेटिए, वो बाद में पहले कुमारे में क्या किया क्या नहीं किए, अभी कुमारे में किसी से प्यार किए होंगे, ज्योतिष सिंह के बोल रहे हैं अभी किसी से कुमारे में प्यार किए होंगे, तो आपको अक्षय सिंह नहीं बोली, आप अक्षय सिंह के कैसे बोल सकते हैं? जब आप जान रहे कि पहल का बीवी मर गई है, अक्षय सिंह से प्रेम मोहब्बत है, फिर भी आप शादी पवन सिंह से क्यों किए? नहीं करना चाहिए था भाई, वो शूटिंग का आदमी है, वो शूटिंग पे व्यस्त रहबे करेंगे, अब कहोगे कि सारा छोड़ के हमरे पास टाइम देंगे तो वो ऐसे नहीं चलने वाला बात है। तो चलिए और क्या कुछ कहा जाए, रेनू जी को आपने सुना, क्या कुछ इनका व्यू था वो बताया, तो और आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।